This call is now being recorded. So hello, hello everyone. Good evening, good evening, good evening मेरे सभी बच्चों को. चलो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बता देंगे क्या सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर. अगर दोनों चीज ऐसे हो रही है ना तो जल्दी से यस लिख दीजिए. सभी बच्चे यस लिख दीजिए अगर ऐसा हो रहा है तो. ठीक है ठीक है ठीक है. सो बच्चों देखो, आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं. हम चैप्टर वन चल रहा है हमारा संख्या पद्धति. इसमें हमने ऑलरेडी बेटा बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है. आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को हम किस नंबर लाइन की संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं या कैसे दर्शाते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं. अगर बेटा मैं रूल्स की बात करूं तो हमारी क्लास के कुछ रूल्स है जो हर क्लास में होते हैं, वही रूल्स है, है ना. जैसे मैं कहती हूँ कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है अननेसेसरी, तो आप लोग नहीं करते हो, उसके लिए थैंक यू. जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए. आप क्या करोगे, तीन डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और अपना डाउट लिख दोगे. दूसरी बात बेटा, जो पोल में है मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए. सही गलत हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आंसर जरूर कीजिए. तीन डॉट पे जाइए, एक्टिविटीज में जाइए, पोल्स में जाइए, ठीक है. एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए. बेटा मुझे आंसर हर एक बच्चे का चाहिए, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आ रहा है. चलो आगे बढ़ लेते हैं. ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कैसे हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को हम कैसे दर्शाते हैं. ठीक है, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं पर कैसे, परिमेय संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं. अब सभी बच्चों को पता है परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटा q में लिख सके, और जहां पर q आपका क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, और p एंड q क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक होते हैं. यही पढ़ा है हमने, है ना, यही देखा है हमने. जैसे मैं लिख दूं दो बटा तीन, ये भी एक परिमेय संख्या है. माइनस दो बटा तीन या पांच बटा तीन, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p और q दोनों क्या है बेटा, पूर्णांक है, है ना. और पूर्णांक क्या होता है बच्चों, पूर्णांक क्या होता है, जिसमें हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और जीरो भी होता है उसके अंदर, है ना. ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, इंक्लूडिंग जीरो भी हम मिला देते हैं, इसे हम कहते हैं पूर्णांक. ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं एक संख्या रेखा लेती हूँ या एक संख्या रेखा बनाती हूँ, तो वहां पर क्या करती हूँ, एक बीच में तो जीरो होता है और यहाँ एक होता है, यहाँ दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, है ना, और इधर कितना होता है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार. ठीक है, और जब भी मैं बच्चों आपसे कहती हूँ कि मतलब ये ऐसे याद रखते हैं कि जीरो के दाई तरफ आपके हमेशा कौन सी संख्या होती है, धनात्मक, या मैं कहूँ प्लस वाली संख्या है ना, और जीरो के बाई तरफ हमारी होती है ऋणात्मक, है ना, कौन सी होती है, ऋणात्मक, हाँ जी, है ना, माइनस वाली, हाँ जी बिल्कुल सही, और बिल्कुल 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 सही. ठीक है, ये हमने देखा था संख्या. अगर मैं कहती हूँ कि आपको संख्या रेखा पर दिखाना है दो, तो आप कहोगे मैम दो तो ये रहा, जीरो के दाई तरफ दो होगा. मैं कहूंगी माइनस दो, तो आप कहोगे जीरो के बाई तरफ माइनस दो आएगा. यही पढ़ा है ना बच्चों हमने, है ना. तो संख्या रेखा तो मेरे हर एक बच्चे को पता है. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इस संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को कैसे दिखाएंगे. अब परिमेय संख्या तो बटे में होगी, है ना, देख लेते हैं. ठीक है, जीरो हमने दिखा दिया सेंटर में, और दाई तरफ धनात्मक संख्या है और बाई तरफ ऋणात्मक संख्या है. सो सभी को पता है कि संख्या रेखा कैसी दिखती है. ठीक है, अभी मान लेते हैं कि मुझे इस संख्या रेखा पर बच्चों, इस संख्या रेखा पर मान लो मुझे एक बटा दो दिखाना है. क्या दिखाना है, एक बटा दो. अब एक बटा दो का मतलब क्या हुआ, एक बटा दो का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे दशमलव में लिखूं तो क्या हो जाएगा, दो से मैं इसे भाग करूंगी एक को, है ना. अब दो के पहाड़े में एक तो आता नहीं है, छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, जीरो लगाऊंगी, मतलब दशमलव लगाऊंगी और यहाँ जीरो लगा दूंगी. दो पंजे दस होता है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दशमलव में 0.5 आ गया. और अब 0.5 आपको पता है, 0.5 आपको पता है कि एक से तो बड़ा होगा, सॉरी एक से तो, जीरो से तो बड़ा होगा, है ना, और एक से छोटा होगा. यानी कि ये कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, जीरो और एक
के बीच में। तो मैंने क्या किया, यहां से बेटा एक बना ली संख्या रेखा, ठीक है, मैंने एक बना ली संख्या रेखा माइनस वाले। अब उसने देखा ये तो प्लस वाला है, तो मैं दाई जीरो के दाई तरफ देखूंगी, और जीरो से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, 0.5 को मैंने क्या किया, जीरो से बड़ा और एक से छोटा, इसके बीच में यहां पर क्या लगा दिया, 0.5, यानी कि 1/2। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, मैंने क्या बताया है बता दो जरा। और कॉपी पेंसिल लेके बैठना बच्चों, ऐसे नहीं करना है। यस धर्मवीर की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, यस 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 बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, है ना। मान लो बच्चों ऐसे मैंने इसी को क्या किया, यहाँ पर 1/2 करा, और मैंने इसको यहाँ पर 0 और 1 के बीच में मैंने इसको दिखा दिया 1/2 को, ठीक है। अब मान लो मुझे इस संख्या रेखा पर -1/2 दिखाना है, तो क्या करूंगी, -1/2 आप फिर से भाग करके देखोगे 0.5 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, कैसा आएगा बच्चों, माइनस घटा का आएगा। तो मैं क्या करूंगी, जीरो के कहां जाऊंगी, जीरो के बाई तरफ देखूंगी, और क्या करूंगी, 0 और 1 -1 के बीच में इसको लगा दूंगी, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि माइनस वाला है तो 0 के बाई तरफ जाएगा, और प्लस वाला है तो 0 के दाई तरफ जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात मेरी समझ आई है, पहले आप देखो कि वो कौन से दो संख्याओं के बीच में जाएगा, फिर साइन से देख लो कि वो दाई तरफ जाना चाहिए या बाई तरफ जाना चाहिए। क्या मेरी बात इतनी मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, ठीक है ठीक है। चलो अगर मान लो मेरे पास, क्या बेटा, ठीक है, मान लो मेरे पास 5/2 है, ठीक है, 5/2 बता रही हूँ बेटा। एक तो आप लेट मत ज्वाइन किया करो, ये सबके लिए बच्चों, टाइम से ज्वाइन किया करो आप लोग, सभी बच्चे ना 30 तक ज्वाइन कर लिया करो आप लोग, 40-45 तक ज्वाइन करते हैं बहुत बच्चे। चलो हाँ देखो, अभी आपको ना 5/2 इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। तो आपने ये देखा, एक तो ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो 0 के दाई तरफ आएगा, है ना। अब आप क्या करोगे, आप पहले ये देखोगे कौन सी संख्याओं के बीच में आएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, और इधर होगा आपका -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब हम मैं पहले देखूंगी कौन से दो संख्याओं के बीच में आएगा। अगर मैं इसे दशमलव में लिखूं तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, मैं इसे दशमलव में लिखूंगी तो क्या आएगा बताओ जरा, मैं इसको दशमलव में लिखूंगी तो बच्चों क्या आएगा। मैंने देखा इधर है 2, इधर है 5, 2×2=4 होगा, माइनस किया 1 आ गया, हाँ, तो अब एक शेष फला यानी कि दशमलव लगाएंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 आ गया, है ना। यस बच्चे बिल्कुल सही, है ना। तो यहाँ से मेरे पास ये कट गया, कितना आ गया, 2.5। तो अब मुझे यहाँ से पता लग गया है कि 2.5 यानी कि 2 से तो बच्चे बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, है ना, हाँ 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हमने यह 2 और 3 के बीच में लगाया, कितना, 5/2। क्या अब मेरी बात समझ आई है, एसके की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा एक तो तरीका ये हो गया कि आप सिंपल क्या करो, सिंपल आप उसको दशमलव में बदलो और देख लो कौन सी दो संख्याओं के बीच में होगा, वहीं पे आप आंसर लगा दोगे। अच्छा यहीं पे माइनस में होता बेटा तो हम क्या करते, -2 और 3 के बीच में लगा देते, -5/2, है ना। जब हम माइनस में देखे हैं तो 0 के बाई तरफ जा रहे हैं, और जब हम पॉजिटिव में देख रहे हैं प्लस में, तो 0 के दाई तरफ जा रहे हैं, है ना। क्या इतनी बात समझ आई है सभी को कि कैसे हम एक परिमेय संख्याओं को उसमें नंबर लाइन पे या उसमें
दर्शाते हैं। ठीक है। अभी देखो, कई बार ना, कई बार ऐसा भी होगा, ठीक है, कई बार कैसा होगा कि मान लो मेरे पास ना ऐसी संख्या होगी, उसने बोला 3/5 है, इसे संख्या रेखा पर दिखाओ, ठीक है, 3/5। तो आप, मैंने ना कई बार ऐसे करा, मैंने 1, 0 और 1 के बीच में ना 5 भाग कर दिए, 1 भाग 2 भाग 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भाग हो गए ना। अब वो बोल रहा है उनके 3 भागों की बात कर रहा है, तो मैं कहूंगी 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी, यहाँ पर हो गया मेरा 3/5। मतलब मैंने 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से कर दिया, वो 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों की बात कर रहा है, तो मैंने ऐसा लगा दिया। कई बार आपके पास ऐसे भी होगा कि दो संख्याओं के बीच में ना संख्या रेखा बनी हुई होगी, ठीक है, मतलब उसके पार्ट्स बने होंगे, 1 पार्ट 2 3 4 5। अब उसने बोला 5 में से 3 की बात कर रहा है, तो हमने 3 को गिन लिया और यहाँ पर लगा दिया 3/5। क्या अब मेरी बात समझ आई है? ये आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। वैसे नॉर्मली आपको कैसे करना है, दशमलव में निकालना है और फिर सॉल्व करना है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? अगर आ गई है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। 1, 2, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? ठीक है, चलो अभी मान लो मैं एक नंबर देती हूँ आपको, ठीक है, जिसे आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। नंबर है बेटा, मान लीजिए मेरे पास है 7/2, ठीक है, इसे आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। सभी बच्चे करेंगे और कॉपियां दिखाएंगे मुझे, ठीक है, सभी बच्चे करेंगे और मुझे नोटबुक्स दिखा देंगे, अपनी अपनी कॉपियां दिखा देंगे। चलो प्रॉपर पहले दशमलव में बदल लेना और उसके बाद संख्या रेखा पर बना लेना और फिर दिखाना। वेरी गुड, सभी बच्चे करना और मेरे को नोटबुक दिखाना अपनी अपनी। राजबाला की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। धर्मवीर की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। और बच्चे दिखाओ मुझे जरा बेटा, सभी बच्चे दिखाओ मुझे, सभी तो समझ आएगा कि आप सही कर रहे हो गलत। पर्वत दलाल की आईडी से, वेरी गुड बेटा। यस, निंजू सैनी की आईडी से, वेरी गुड। पायल खान की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। और रचना देवी की आईडी से, वेरी गुड। अजीत सिंह की आईडी से भी, वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे भी दिखाओ। क्या कर रहे हो आप लोग, दिखाइए। एसके खरेरा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। देखो आपने क्या किया, आपने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर देखा -2, -3, -4, -5। बेटा देखो आपने किसी और की स्क्रीन को टैप तो नहीं कर दिया, आपने इसको दशमलव में बदला, कितना आ जाएगा, 7, 2 से भाग करेंगे 7 को तो 7 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता, 6 आता है 3 पर, है ना, 1 आ गया, दशमलव लगाया 0, 5 पे गया, कितना आ गया हमारे पास 3.5, यानी कि 3 से तो बड़ा है लेकिन
चार से छोटा है, तो मैंने क्या किया, मैंने तीन और चार के बीच में लगा दिया 7/2। ठीक है। अच्छा बेटा, इसको ना आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। कैसे, आपको याद है मैंने आपको बताया था किसी भी विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, याद है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 से 7 को करो, 2 3 पे जाएगा, 2 3 6, 1 आगे हासिल। तो आपको याद है ना कि जो आंसर होता है वो आगे आता है, जो शेषफल होता है वो ऊपर जाता है, और जिससे हम भाग करते हैं वो नीचे आता है। तो मिश्र भिन्न में हमने ऐसे लिखा, तो यानी कि 3 से बड़ा है और 1/2, यानी कि 3 और आधा, तो आप फिर भी 3 और 4 के बीच में लगाओगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, दशमलव में बदल के भी कर सकते हो और ऐसे मिश्र भिन्न में बदल के भी कर सकते हो कि 3 पूरा और 1 आधा है, तो यानी कि 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ सभी बच्चों को? क्या मेरे सभी बच्चों को बात समझ आई है? ठीक है। अगर बेटा नंबर लाइन सिंपल दे रखी है तो आपको जैसे मैंने बताया वैसे करना है। कई बार नंबर लाइन में क्या कर रखा होगा, 2 नंबरों के बीच में भी भाग बांट रखे होंगे, तो फिर उसमें हमें उस भाग के अकॉर्डिंग देखना है। मान लो मैंने बोला मेरे पास है 3/8, ठीक है, इसे नंबर लाइन पे दिखाना है, और मैंने यहाँ पर दे दिया 0 और यहाँ पर दे दिया 1 और इसके बीच में ना बेटा 8 दे दिए, 8 खाने बना दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 तो गिन लेते हैं कितने खाने बने, 1 खाना 2 3 4 5 6 7, अभी 8 चाहिए ना, एक और नाम पड़ेगा 8। ठीक है। अब उसने बोला कितने बोल रहा है वो, 3 की बात कर रहा है 8 में से, तो 1 2 3, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, 3/8। ठीक है। तो कई बार आपके संख्याओं के बीच में भी उसने पाठ करके दिए गए हो सकते हैं, तो हमें उसे भी ध्यान रखना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि संख्या रेखा उसने ऑप्शन में कैसी दी हुई है। ठीक है। वैसे आपको कैसे करनी है, नॉर्मल दशमलव में बदलना है और देखना है कौन से 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है और लगा दो। अगर माइनस का साइन है तो बेटा बाई तरफ जाएगा, ठीक है, और अगर प्लस का है तो दाई तरफ जाएगा। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को क्लियर हो गई है, समझ आई है, या अभी भी किसी को डाउट है, बता दो जरा। मेरे किसी बच्चे को डाउट है क्या? ठीक है। मैं एक मिनट ना स्क्रीन दोबारा रोकिए बच्चों, अभी ना दोबारा से स्क्रीन ऑन करियो, मेरे दो कई बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, 1 सेकंड दीजिएगा। चलिए अब देखिए, अभी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस मैम। वेरी गुड बेटा, चैट सेक्शन में लिख दो। हाँ जी बिल्कुल सही, चलो बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ते। हाँ बच्चे, एक बारी, यस यस, बस एक ही बार है ना, यस। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप दशमलव में बदल लो या फिर आप मिश्र भिन्न में बदल लो, और फिर देख लो कि 2 पूरा यानी कि 2 से बड़ा होगा और उसके बाद आधा है, यानी कि 2 और उसके बाद जितने बीच में, जो 2 और 3 है उसके बीच में कहीं जाएगा। ठीक है। चलो ऐसे ही मान लो मुझे -3/2 को संख्या रेखा पर दिखाना है, कहाँ पर आएगी, चलो कॉपी में बना लो और मुझे दिखा दो, कॉपी में बना लो और मुझे दिखा दो। -3/2 है, इसे आपको दिखाना है संख्या रेखा पर। ठीक है। संख्या रेखा आपको दी गई है, नीचे दी हुई है, नॉर्मल संख्या रेखा है, तो बनाइए इसके ऊपर और अपनी अपनी कॉपियां दिखा दीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो जो बच्चे मेरे अभी जुड़ते जा रहे हैं ना बेटा, जुड़े हैं, अपना नाम जरूर चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। धर्मवीर की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पर क्या आपने सही बनाया है
सही बनाया है आप लोगों ने, एक बार चेक करो राजबाला की आईडी से। वेरी गुड, ठीक है। भागमल सैनी की आईडी से बेटा आप एक बार लीव करोगे, फिर दोबारा से ज्वाइन करो, फिर भी ना आए फिर मुझे बताओ। पर्वत दलाल की आईडी से, वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है। पर माइनस 3/2 है बच्चों, आप दाई तरफ ही क्यों बना रहे हो। कुछ बच्चे निंजू सैनी की आईडी से, वेरी गुड बच्चा। हाँ अब सही है। धर्मवीर की आईडी से, वेरी गुड। राजबाला की आईडी से, वेरी गुड। राकेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। एंड पायल खान की आईडी से, वेरी गुड। एंड अजीत सिंह की आईडी से भी, वेरी गुड बच्चे। और बाकी बच्चे केशव की आईडी से, वेरी गुड। रचना की आईडी से, वेरी गुड। ओके, सो मतलब अभी मेरे ओवरऑल सभी बच्चों को समझ आ गया। हमने क्या किया, 3/2 को पहले दशमलव में बदला। दो के बारे में, दो के पहाड़े में तीन नहीं आता, लेकिन दो एकम दो होता है। तो मैंने एक हासिल लगाया, दशमलव लगाया, जीरो पांच पे जाएगा, दस आ गया, कितना आया मेरे पास 1.5। ठीक है, अब माइनस का है तो माइनस, यानी कि वो एक से तो बड़ा है और दो से छोटा है, लेकिन ये कौन से वाले एक, माइनस एक और दो की बात कर रहे हैं, क्योंकि माइनस में है। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, -3/2। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो? चलो बताओ जरा, चलो ठीक है। फिर मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक नंबर है -25/7, ठीक है, ये आपके पास जीरो के किस ओर आएगा, दाई ओर आएगा या बाई ओर आएगा? अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, अगर दाई ओर आए तो ए बताओ, बाई ओर आए तो बी लिख देना। बताओ जरा, दाई ओर आएगा या बाई ओर आएगा -25/7? तो देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता माइनस का है तो जीरो के, तो ये कहाँ आएगा, बाई ओर आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर तो सारे बाई ओर है और दाई ओर तो सारे क्या है, आपके सारे पॉजिटिव नंबर है। हाँ बेटा, माइनस का साइन 7 पे आए तो भी दाई ओर आएगा, बाई ओर आएगा। हाँ, हाँ जी बेटा, नीचे हो ऊपर हो, ऊपर ही हो जाता है ना। मतलब अगर नीचे वाले, मान लो आपका ये 25/-7 होता ना, उसका मतलब ही हमारा माइनस ऊपर ही चला जाता है, मतलब एक ही जगह लगता है। ठीक है जी मैम, समझ आ गया सभी को? अभी मैं क्वेश्चन पूछ लू, चैट सेक्शन में बता दो जरा हाँ या ना, अभी भी किसी को डाउट है तो बता दो, वरना अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, वरना अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी। चलो फिर बताओ जरा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, पोल में आंसर करना है मेरे सभी बच्चों को, आपकी स्क्रीन पे अब आएगा क्वेश्चन है बेटा, -5/2 जीरो के किस ओर आएगा, ठीक है, दाई ओर या बाई ओर? ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसमें से लिखना है। अभी बस आपके पास पोल आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया, ठीक है, चलिए, यस, -5/2 जीरो के किस और आएगा? वेरी गुड, जिनका हो गया वेरी गुड बेटा, और जो मेरे बच्चे कर रहे हैं वो आराम से कीजिए, पहले कॉपी में कर लो, अगर कंफ्यूजन आ रही है तो बना के देख लो, फिर पोल में करो, है ना? यस, -5/2 जीरो के किस और आएगा? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे एक दो बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं, जो बच्चा बच्चा कर देगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5,
चार, तीन, दो, एक, जीरो। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं आपके पास क्या है। माइनस पांच बटे दो है ना, हमें तो ये देखने की भी जरूरत नहीं, निकालने की भी, कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। हमें यहीं से पता है जीरो के बाई ओर सारी नेगेटिव माइनस वाली होती है और जीरो के दाई ओर आपके सारे पॉजिटिव वाली होती है, है ना। यही होता है ना, जीरो के बाई ओर आपके पास सारी कौन सी होती है, माइनस वाली होती है। तो माइनस का पांच बटा दो है तो मेरे को पता है कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। और मेरे सभी बच्चों ने, सिर्फ दो बच्चों को छोड़ के मेरे सभी बच्चों ने सही आंसर किया है बेटा, तो थोड़ा ध्यान रखो, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है, आ गई तो स्क्रीन, है ना। अभी देख लो, जीरो के बाई ओर आपका नेगेटिव, जीरो के दाई ओर पॉजिटिव। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्लियर नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही बेटा? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही, अटक अटक के आ रही है। अच्छा, बाकी बच्चों को भी आ रही है कि एक बार मेरे बाकी बच्चे चैट सेक्शन में बताओगे क्या, सभी एक बार चैट सेक्शन में, सबको क्लियर आ रही है ना। ठीक है बेटा, रचना की देवी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार आप अपना नेट को देखो, नेट में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्योंकि नेट की कमी की वजह से भी ये होता है, नेट प्रॉपर नहीं आ रहे होंगे इसलिए कट कट कर रहे हो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को क्लियर आ रही है ना। चलो एक क्वेश्चन और बताओ। मेरे पास है तीन बटा पांच, ठीक है, तीन बटा पांच जो है ये आपका संख्या रेखा पर कहाँ आएगा, तीन बटा पांच, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया था जीरो पांच, जीरो और एक के बीच में पांच भाग करके उस हिसाब से देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है और फिर आपको पोल में आंसर करना है, ठीक है। दो तरीके बताए थे मैंने, एक तो आपको सिंपल है कि दशमलव बदल के देखोगे कि एक संख्या रेखा वैसी दी हुई है हमारे को जैसे चाहिए तो उस तरीके का, वरना आपको मैंने एक दूसरा बताया था कि दो संख्याओं जीरो और एक के बीच में कितने नीचे जितने हर है उतने पार्ट किए होंगे उसके हिसाब से देखो। ध्यान से बच्चों, ध्यान से करो। ऑप्शंस को ध्यान से देखो, नहीं तो कॉपी में पहले ऑप्शन बना लो, अगर गड़बड़ लग रहा है ना तो ऑप्शन पहले कॉपी में बना लो। तीन बटा पांच है, जीरो के बीच में पांच हिस्से होंगे, उसके तीन की बात कर रहे हैं हम, देखो। हो गया, वेरी गुड मैम, हो गया, वेरी गुड बच्चे। ध्यान से जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करो। मैम आप सेकंड चैप्टर कब पढ़ाओगे? बेटा अभी कुछ क्लास के बाद ये फिनिश होने जाएगा, उस दिन हम सेकंड पे मूव कर जाएंगे, बहुपद पे। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, ध्यान से, मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे ना। वेरी गुड, चलो 5 सेकंड और दे रही हूं, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देंगे। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 आवाज कट कर, 1 जीरो। अभी भी मेरे दो तीन बच्चे बचे हुए हैं बेटा, अभी भी मेरे दो तीन बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए।
चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि 3/5 है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि दशमलव में हम इसे बदल दें और फिर ऑप्शन में हम लिख बना के बता दें। लेकिन यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर देखो जीरो और एक के बीच में बना हुआ है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मान लो जीरो और एक के बीच में हमारे हर कितना है, पांच, पांच भाग हो गए है ना, एक दो तीन चार पांच, पांच भागों में से वो तीन की बात कर रहा है। तो एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तो यहाँ पर आएगा कहीं 3/5। तो देखो इस पहले वाले ऑप्शन में जीरो है और एक है, इसके बीच में तीन भाग करने के बाद ये आ रहा है हमारा 3/5, तो आंसर ए होगा। अगर मैं दूसरे वाले पे जाऊं तो वो क्या जा रहा है, एक दो तीन चार पांच छह, उसने छह भाग बना दिए तो ये तो गलत हो गया। इधर वाले पे जाएंगे बेटा तो 3/5 है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि एक और दो के बीच में, अगर आप इसे दशमलव में भी बदलोगे तो 0.6 आएगा, तो भी ये आपका किसके पीछे आएगा, जीरो और एक के बीच में आएगा, ये भी नहीं हो सकता। और तीन तो कहीं से हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, कैसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या अभी भी डाउट है इसमें, बता दो जरा सभी बच्चों को समझ आई है। चलो फिर भी मेरे कई बच्चों ने गलत किया था। बच्चों ध्यान दो दिया करो कि हम जब उसे बदल रहे हैं दशमलव में तो हमारा दशमलव क्या आ रहा है और ऑप्शन में क्या वो मैच कर रहा है या नहीं। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है -7/2, ठीक है, -7/2, इसको आपको दशमलव में बदलना है और फिर आपको ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहले अपना कॉपी में बना लो, जैसे आपने देखा था 7/2 को दशमलव में बदलो, माइनस का है, फिर आप देखो कौन सा ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन में जाके, पोल में जाके वो ऑप्शन का आंसर करोगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चे करेंगे, -7/2 है, इसे आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। वेरी गुड, जितने बड़े बच्चों का हो गया वेरी गुड, बाकी बच्चे भी सभी कर दीजिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। तो वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं, अभी आपको पता है ना -7/2 को आप कैसे बना सकते हो संख्या रेखा पर, बनाइए वैसे ही। हो गया मैम, वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, बाकी सभी बच्चे करेंगे, मेरे को सबका आंसर चाहिए। ध्यान से बच्चों, ध्यान से करो, अभी तो आपने मुझे बना के दिखाया था, फिर ऑप्शन में सिलेक्ट करने में दिक्कत क्यों हो रही है। नो मैम, ध्यान से करो, पहले आराम से कॉपी में बना लो, फिर ऑप्शन में ढूंढो कि वो वाला हमारा आंसर कौन सा है। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे दो बच्चे बचे हुए हैं, बच्चों कर दीजिए। चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देंगे, 5 सेकेंड और, 5 4
तीन दो एक जीरो। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चों ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा ये, माइनस सात बटे दो। आपको पता है सात बटे दो को आप दशमलव में लिखोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बता दो जरा चैट सेक्शन में। 3.5 है ना, 3.5, लेकिन हमारा माइनस का है यानी कि माइनस 3.5, यानी कि ये तीन माइनस तीन से तो बड़ा है और मतलब माइनस तीन से ये छोटा है और माइनस चार से बड़ा है ना। तो यहाँ पर आएगा यानी कि माइनस तीन और माइनस चार के बीच में, तो पहले वाला ऑप्शन तो दो सिलेक्ट है, माइनस दो है तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा वाला अगर हम देखें इसमें भी दो सिलेक्ट है, दो भी नहीं है हमारा आंसर। इधर तीसरे वाले में देखो तीन और चार के बीच में है आपका माइनस सात बटे दो, तो ऑप्शन नंबर सी बेटा करेक्ट है। और डी भी नहीं हो सकता, वहां तो माइनस तीन पे सिलेक्ट कर रखा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हाँ क्या बेटा, बेटा गलती तो पेपरों में भी हो जाएगी ना, इसलिए तो बोलती हूँ ध्यान से करो। तभी तो मैं बोल रही थी कॉपी में सबने मुझे सही करके दिखाया, जब आप ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। अपनी स्क्रीन को बच्चों बड़ा कर लो, है ना, बड़ा करके देखो। हाँ जी चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी आपको ये समझ आया कि किसी भी परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं, यस और नो में आंसर कर दो जल्दी से चैट सेक्शन में, या अभी भी डाउट है, यस और नो बता दो जरा, यस और नो। ठीक है चलो फिर अभी हम क्या देखेंगे बेटा कि मान लो मेरे पास दो परिमेय संख्या है, उनके बीच में मुझे परिमेय संख्या निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। चलो आपको सभी को पता है कैसे निकालते हैं, मान लो मुझे माइनस पांच और तीन के बीच में आपको ये बताना है कितने पूर्णांक होंगे। ठीक है आपको पता है ना पूर्णांक कितने होंगे, माइनस पांच और तीन के बीच में पूर्णांक संख्या तो सबको पता है ना कितनी होगी, आप देख लो संख्या रेखा से भी पता लग जाएगा, जीरो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच, और यहां से हमारे पास कितना होगा एक दो तीन, और मुझे पूछा क्या है पांच और तीन के बीच में कितनी पूर्णांक होंगे, मैं आराम से बता सकती हूँ गिन के एक दो तीन चार पांच छह सात, सात पूर्णांक होंगे है ना, आराम से हम उसके बीच की गिनती बता सकते हैं ना बेटा, बीच की गिनती हम आराम से बता सकते हैं, सात पूर्णांक होंगे बिल्कुल सही। ठीक है अब ऐसे ही मान लो मैंने आराम से बता दिया, ऐसे ही दो मतलब संख्या हम निकाल सकते हैं। अगर मैं दो नंबर लिख रही हूँ मान लो बेटा माइनस पांच और माइनस चार, इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक होंगे बता दो जरा चैट सेक्शन में, इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक होंगे माइनस पांच और माइनस चार, बिल्कुल सही। तो कोई भी क्रमागत होते हैं यानी कि एक के बाद एक वाला हम कोई पूर्णांक ले लेते हैं या कोई नंबर ले लेते हैं तो उनके बीच में पूर्णांक तो होंगे ही नहीं, नंबर ही एग्जिस्ट करेगा बच्चा उसके बीच में तो, है ना। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे पूर्णांक, जीरो, यस बिल्कुल सही। अभी हम देख लेते हैं मान लो मैं एक नंबर लेती हूं कि अगर मुझे दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या निकालनी है, ठीक है, मतलब मैं दो या तीन के बीच में पूछ रही हूँ, माइनस चार या माइनस तीन के बीच में पूछ रही हूँ, माइनस पच्चीस या माइनस छब्बीस के बीच में पूछ रही हूँ, तो आप क्या कहोगे, मैम ये क्रमागत है सारी, इनके बीच में तो पूर्णांकों की संख्या जीरो ही होगी, इनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होंगे। तो मैं बेटा एक चीज कह सकती हूँ कि दो पूर्णांकों के बीच में या दो पूर्णांकों के बीच में ना हमारे पास सीमित लिमिटेड ही क्या होते हैं, संख्याएं होती हैं। अगर मैं माइनस पांच या माइनस चार के बीच में बोलूं तो भी आप गिन लोगे जीरो होगी, माइनस पांच या माइनस एक के बीच में पूछूं तो भी आप गिन के बता दोगे कितनी होगी। तो कहने का मतलब क्या बेटा, दो पूर्णांकों के बीच में दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है, ठीक है, परिमित होती है कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है ये मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ परिमेय संख्याओं में नहीं होता, याद है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, बहुत सारी अनगिनत, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते हैं, असीमित होती हैं।
इसलिए अगर मुझे पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक बताने हैं तो बेटा सीमित होते हैं, लेकिन अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बतानी ना तो वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। ठीक है, जैसे मैं अभी बात कर लेते हैं, मेरे को बताना है 2/5 और 7/5 के बीच में परिमेय संख्या बतानी है। मान लो मुझे 2 परिमेय संख्या बतानी है, 2 परिमेय संख्या बतानी है। तो बेटा देखो, अगर मेरे नीचे के हर बड़े बराबर हो, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास हर एक जैसे होते हैं तो ऊपर वाले नंबर को हम देखते हैं तो मैं इसके बीच में देखो कितने सारे बता सकती हूँ, इसके बीच में मैं कितने सारी परिमेय संख्या लिख सकती हूँ। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7 तो है ही, तो इन दोनों के बीच में हमने कितनी परिमेय संख्या बता दी बेटा, 4 बता दी, उसने तो 2 ही पूछी थी, तो इनमें से कोई भी आप 2 बता दो कि ये 2 परिमेय संख्या है। ये कब करना है बेटा, जब आपके हर समान हो, हर एक जैसे हो, तो बस आपको ऊपर वाला नंबर देखना और उनके बीच की गिनती लिख देनी है, वही परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मैम, और अगर माइनस हो तो कैसे निकल, एक मिनट, तो माइनस होगी तो बेटा, अगर मान लो ये नंबर माइनस का होता तो -1, -2, -1, 0, 1, 2 वाली सारी संख्या चली जाती है, जो पूर्णांक होते हैं वो पूरा पूरे पूर्णांकों की संख्या आ जाती बीच के। हाँ तो मैम, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं बताती हूँ, उसने बोला -2/5 और -7/5, ठीक है, तब भी आपको पता है 5/5 सेम है ना, तो -2/5 और 7/5 के बीच में आप लिख सकते हो ना, -3/5 माइनस, मैम ये एक प्लस क्यों, हाँ एक माइनस, तो इसको प्लस का ले लेते हैं, 7 को प्लस का ले लेते हैं, तो बहुत सारी मिल जाएंगी फिर। तो देखो कैसे, आपको पता है अगर मैं इस तरफ चल रही हूँ तो -2 छोटा है, -2 से बड़ा कौन सा है, -1/5, 0/5, फिर 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, पूर्णांकों जो संख्या रेखा में पूर्णांक होते बेटा वही पूरी उठा ली मैंने, 5/5, 6/5, इतने सारे नंबर हो गए। आप समझ आया? यस मैम, यस, वेरी गुड। परिमेय संख्या का बीच कितनी संख्या है बताने के बाद, हाँ बच्चे परिमेय क्या बेटा, परिमेय संख्या का बीच समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, एक तो पहले अब पूरा बात बोल के म्यूट करा करो अपने आप को, दोबारा से बोलो क्या बोल रहे हो बेटा, परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या बताना है, एक बार भूल गया मैं। अच्छा, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय, बेटा परिमेय संख्याओं के बीच में तो बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है, अनलिमिटेड, असीमित होती है, असीमित, अनलिमिटेड, आप मतलब जिन्हें आप गिन ही नहीं सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये बताया, अभी ऊपर जो है ना पूर्णांक है बेटा, पूर्णांक देख लो ना आप, पूर्णांक तो सबको पता है ना, 0, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहीं तक जाना था, इसकी सारी गिनती लिख ली, पूर्णांक ऊपर वाला पूर्णांक की पूरी गिनती दे दी मैंने, इसीलिए मैंने आपको पहले पूर्णांक भी दिखाए थे। समझ आया आप, अब मेरी बात समझ आई, अभी मैंने ये बता रही हूँ बेटा, जब हर समान हो, आपके हर नीचे वाले जो है ना बेटा, आपकी आवाज, हाँ मैम आवाज साफ नहीं आ रही है, बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं बेटा, मेरे को ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप चैट सेक्शन में लिख दो आप क्या कह रहे हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके पास बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी साइड से नेटवर्क का प्रकोप लग रहा, प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप ऐसा कह रहे हो क्या, सुरेंद्र की आईडी से जो बच्चा है? यस मैम। बेटा मेरे को लग रहा है आप लोग एक बार मुझे सभी बच्चे क्लियर बता दीजिए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, अगर आ रही है तो यस लिख देना, अगर सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना तो यस लिख देना, फिर जो एक दो बच्चे को फिर प्रॉब्लम हो रही है, फिर उनकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, फिर मुझे ऐसा लग रहा है। तो बेटा एक बार प्लीज, जिन बच्चों को थोड़ा सा, एक दो बच्चों को हो रही है ना, आप थोड़ा नेट का देख लो अपना, आपका प्रॉपर आ रहा है या नहीं।
चलो आगे बढ़ते हैं. एक सेकेंड, स्क्रीन गई होगी अगेन. वन सेकेंड वन सेकेंड. हाँ वो मुझे वही लग रहा है बेटा, कुछ बच्चों को ना नेट का बारिश, आई थिंक मौसम भी ठीक नहीं है ना, सो इसी वजह से हो रहा होगा वो. चलो आगे बढ़ते हैं, है ना. अब स्क्रीन आ गई है सबको. चलो अभी हमने देखा दो परिमेय संख्याओं के बीच में जब हर समान हो, नीचे वाली संख्या बराबर हो, तो हम कैसे दो परिमेय संख्या, दो से ज्यादा परिमेय संख्या निकालते हैं. ठीक है, अभी एक और चीज देखते हैं. मान लो मेरे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है इसी से रिलेटेड, मैं पहले एक क्वेश्चन और लेती हूँ. मान लो बच्चों मेरे पास एक नंबर है 3/5 और दूसरा नंबर है मान लो 4/5. ठीक है, अब मुझे इसके बीच में ना पांच परिमेय संख्या निकालनी है. पांच परिमेय संख्या निकालनी है, क्या करूंगी मैं बता सकता है कोई? पांच परिमेय संख्या. अब देखो आपने देखा हर तो मैम ने कहा था समान होने चाहिए, हर तो समान है, एक जैसे हैं, समान है. तो ऊपर वाला नंबर देखेंगे, ऊपर वाले तो बेटा 3 है और 4 है, गिनती में 3 और 4 के बाद तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते हो. 3 और 4 के बीच में तो कोई गिनती ही नहीं आती, क्या करेंगे क्या करेंगे? तो इस स्टेज में हम क्या करते हैं बेटा, जब नीचे के हर तो समान होते हैं लेकिन ऊपर वाले नंबर के बीच में कोई गैप ही नहीं होती, क्रमागत होती है, है ना. तो जितनी परिमेय संख्या बच्चे पूछी हैं, ध्यान से सुनना, जितनी परिमेय संख्या हमें निकालने के लिए बोला है ना, उससे एक ज्यादा, जैसे 5 बोला है ना, तो 5 से एक ज्यादा नंबर यानी कि 6 को मैं ऊपर नीचे गुना कर दूंगी. 5/3/5 से भी ऊपर नीचे गुना कर दूंगी तो कितना हो गया 18/30, और इधर 4/5 से भी गुना कर दूंगी तो इधर कितना हो गया बेटा 24/30. अब देखो मेरे पास दो नंबर आ गए 18/30 और 24/30, और अब इन दोनों के बीच में तो मैं लिख सकती हूँ पांच परिमेय संख्याएं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30. हो गई पांच परिमेय संख्या जो हमें पूछी थी. अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन ये होगा, मैम क्या हम 6 से ही गुना कर सकते हैं? नहीं बेटा, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 आप कितने से भी कर सकते हो, बट जितने ज्यादा नंबर से आप गुना करोगे बीच में उतनी ज्यादा परिमेय संख्या मिलती जाएंगी, तो आप कोई भी 5 लिख सकते हो. तो हम मोस्टली क्या करते हैं, जितनी परिमेय संख्या पूछी है उससे एक ज्यादा गुना कर देते, ताकि सबका आंसर भी सेम ही आएगा, सबका यही आंसर आएगा. और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनलिमिटेड अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं. क्या ये बात मेरी सभी बच्चों को समझ आई है? दो बातें बताई मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जब आपके हर समान हो, जब हर अलग होंगे तब मैं आपको दोबारा बताऊंगी क्या करना होता है. जब अभी तक हमने देखे दो केस देखे, हर आपके समानों और ऊपर वाले नंबरों के बीच में डिफरेंस हो तो आप बताई दोगे. जब आपके ऊपर वाले नंबर एक के बाद एक हो, क्रमागत हो, तो क्या करोगे उस सिचुएशन में? हम क्या करते हैं, जो परिमेय संख्या है जितनी निकालनी है उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में, और फिर हमें नया नंबर मिल जाता है उनके बीच में, तो आराम से 5 निकाल ही सकते हो. क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी. जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से. चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को. मेरा क्वेश्चन है बेटा, मान लो मेरे पास नंबर है आपके लिए 3/8 और दूसरा नंबर है मान लीजिए 5/8. ठीक है, अब इनके बीच में आपको पांच परिमेय संख्याएं बतानी है. ठीक है, चलो करो जरा, पांच परिमेय संख्या बताओ इस दो नंबरों के बीच में, और मुझे कॉपियां दिखा देना, नोटबुक्स दिखा दीजिएगा सभी बच्चे.
बताओ जरा, दिखाओ जरा नोटबुक, देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही बताते हैं। वेरी गुड, निंजू सैनी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। पर्वत दलाल की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। पायल खान की आईडी से, वेरी गुड। शाहिल कुमार की आईडी से, वेरी गुड। केशव की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। यस, बहुत बढ़िया, मतलब मेरे सभी बच्चों को समझ आया हमने क्या किया। मेरे को पता है तीन और पांच के बीच में तो सिर्फ चार ही आएगा, मैं तो एक ही संख्या बता सकती हूँ, मुझसे तो उसने पांच पूछी है, तो मैं क्या करूंगी, पांच में बेटा एक जोड़ दूंगी, छह हो गया। अब मैं छह से दोनों को गुना कर दूंगी, है ना, तो मुझे यहाँ पर कितना मिल गया, अठारह बटे आठ, छिक आठ छिक अड़तालीस, है ना। और इधर मैंने क्या किया, पांच बटे आठ को गुना कर दिया, छह बटा छह से कितना आ गया, तीस बटे अड़तालीस। अब मुझे दो नंबर मिल गए, अठारह बटे अड़तालीस और तीस बटे अड़तालीस। अब मुझे इसके नीचे कितने नंबर लिख सकती हूँ मैं, उन्नीस बटे अड़तालीस, बीस बटे अड़तालीस और इक्कीस बटे अड़तालीस, बाईस बटे अड़तालीस, तेईस बटे अड़तालीस, चौबीस बटे अड़तालीस, है ना, पच्चीस बटे अड़तालीस, ऐसे ही मैं लिखती जाऊंगी कहां तक, उनतीस बटे अड़तालीस तक। उसने मुझसे बेटा पांच ही पूछी है, पांच ही पूछी है, तो मैं इनमें से कोई भी पांच दे दूंगी, ठीक है। और जो भी बच्चे बेटा एक बटा आठ, दो बटा आठ लिख रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है बेटा, तीन के पूछा है उसने, तो तीन बटे आठ और पांच बटे आठ के बीच में पूछा है, तो एक बटा आठ, दो बटा आठ तो पहले होगी ना, इसके बाद की तो पूछ कहाँ आई, इन दोनों के बीच की बतानी होती है बच्चे, तो एक बटा आठ, दो बटा आठ, तीन बटा आठ नहीं हो सकता, उसने तीन बटा आठ और पांच बटा आठ के बीच की पूछी है। तो पूजा की आईडी से और केशव की आईडी से बेटा क्लियर हुआ है जो मैंने समझाया आपको, पूजा खन्ना की आईडी से एंड निंजू सैनी सॉरी केशव की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपको अब क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप इनमें से कोई भी पांच लिख सकते हो, चाहे पहली पांच लिख दो, चाहे बाद की पांच लिख दो, चाहे बीच की पांच लिख दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। यस, चलिए बच्चे फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे आगे का। हाँ बेटा, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, अब ले लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स।